किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। मुझे पता नहीं आप कहाँ थी, लेकिन मीडिया के काफी सारे लोग हावड़ा ब्रिज पे ही थे, एक पुलपिट के ऊपर वो लोग थे। तो किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है, इसका जवाब मुझसे बेहतर आप ही दे सकती हैं। हाँ, तो मैं तो वही बोल रही हूँ, अगर प्रोटेस्टर्स ने ये आरोप किया है, जो भी हुआ है वो तो मीडिया के सामने हुआ है। आप काइंडली देख लीजिए कि किसने बैरिकेड तोड़ा और किसने स्टोन पेल्टिंग की। जस्टिस मिलना चाहिए मुख्यमंत्री को। आप हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है, वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है, और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईद मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है, बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है।